रैप्चर, जिसका असल में मतलब है कि कलीसिया का मसीह के साथ बादलों पर उठा लिया जाना। और ये रैप्चर के ऊपर हमने पहले ही बहुत सारी वीडियोस बना दिया है और कई बार इसको क्लैरिफाई कर दिया है, लेकिन फिर भी कई लोगों के दिमाग में, कई लोगों के मन में अब भी बहुत सारे सवाल हैं। तो बहुत से लोगों के मन में ये एक कॉमन सवाल है, ये कॉमन कन्फ्यूजन है कि क्या ये कलीसिया का उठा लिया जाना और प्रभु यीशु मसीह का आना, ये दोनों अलग अलग इवेंट हैं या एक ही है। तो इस सवाल का जवाब आज आप इस वीडियो में पाने वाले हैं। तो जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि रैप्चर से रिलेटेड तीन प्रमुख सिद्धांत हैं, शिक्षाएं हैं। सबसे पहला है प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर, प्री मीनिंग पहले, यानी क्लेश के पहले कलीसिया का उठा लिया जाना। उसके बाद है मिड ट्रिबुलेशन रैप्चर, यानी 7 साल के क्लेश के बीच में कलीसिया को उठा लिया जाएगा। और तीसरा है पोस्ट ट्रिबुलेशन रैप्चर, यानी कि क्लेश के 7 साल के क्लेश के बाद मसीह आएगा और अपने लोगों को उठाकर ले जाएगा। और इसे प्री रैथ रैप्चर भी कहा जाता है, यानी कि परमेश्वर के क्रोध के प्रकट होने से पहले कलीसिया को उठा लिया जाएगा और कलीसिया क्लेश से होकर गुजरेगी। ओके, सो उम्मीद है ये कंफ्यूजन अभी दूर हो गई होगी कि जो रैप्चर है ये असल में परमेश्वर के क्रोध से पहले होगा, क्लेश के पहले नहीं, परमेश्वर के क्रोध से पहले। सो क्लेश से होकर कलीसिया को गुजरना पड़ेगा और परमेश्वर का क्रोध आने से पहले प्रभु यीशु अपनी कलीसिया को उठा लेंगे। अब मैं इस वीडियो में आपको तीन कारण बताने वाला हूं कि क्यों हम इस प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर, यानी भारी क्लेश से पहले कलीसिया को उठाए जाने की शिक्षा को नहीं मानते हैं, हम क्यों इस शिक्षा को नहीं मानते हैं। सबसे पहली बात, क्योंकि ये बाइबल में नहीं है, इट इज नोवे फाउंड इन द बाइबल। देखिए, आप जबरदस्ती करके इस विचार या इस शिक्षा को बाइबल की कुछ आयतों, सिंबल्स, मेटाफोर्स या घटनाओं में इसे पेश कर सकते हैं, जैसे कि नूह जहाज पर चढ़ गया और परमेश्वर के कहर से बच गया, हनोक को उठा लिया गया। ऐसे बहुत से मेटाफोर्स का इस्तेमाल किया जाता है क्लेश के पहले रैप्चर की शिक्षा को जस्टिफाई या सही साबित करने के लिए। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि बाइबल में एक भी आयत ऐसी नहीं है जो हमें स्पष्ट बताती है कि रैप्चर भारी क्लेश से पहले हो जाएगा, प्रभु यीशु का दूसरा आगमन गुप्त में होगा, या एंटी क्राइस्ट के पहले प्रभु यीशु आएंगे और अपनी कलीसिया को ले जाएंगे। रैप्चर की शिक्षा को और आसान करने के लिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए, रैप्चर की शिक्षा को इजी करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र बाइबल में सिर्फ 4 ही वचन हैं। ओके, सिर्फ 4 ही वचन हैं जो एक्सक्लूसिवली और एक्सप्लिसिटली बिल्कुल साफ साफ रैप्चर के बारे में हमें बताते हैं। मैं ब्रीफली उन्हें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं और आप खुद भी इन वचनों का अध्ययन अपने घर में बैठकर, अपनी बाइबल को खोलकर, अपनी नोटबुक अपने पास में रखकर कर सकते हैं। यही 4 वचन हैं जो रैप्चर यानी कलीसिया के बादलों पर उठाए जाने के बारे में हमें साफ साफ बताते हैं। तो वो कौन से 4 वचन हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला है मत्ती अध्याय 24 वचन 29 से लेकर 31 तक, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स नंबर 29 टू 31 लिखा है कि उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद इस बात को हाईलाइट कर सकते हैं, आप मार्क कर सकते हैं, सूर्य अंधियारा हो जाएगा। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद, कौन से दिनों की यहां पर बात हो रही है, जिनका जिक्र हुआ है इसी अध्याय के वचन 21 22 और 23 में लिखा है। तो सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश में बादलों पर आते देखेंगे। अब इस वचन को ध्यान से देखिए, वह तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, प्रभु यीशु अपने दूतों को भेजेगा और वह आकाश के इस शोर से उस शोर तक
चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे, इस शोर से उस शोर तक चारों दिशाओं से चुने हुओं को स्वर्ग दूत इकट्ठा करेंगे, और इसे ही कहा जाता है रैप्चर। हमने पहले ही इसकी स्टडी की है अपने एक वीडियो में, और अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उस वीडियो को भी जरूर देखना। और हमने देखा है कि ग्रीक में इन चुने हुओं का असल में मतलब है प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले मसीही लोग, प्रभु यीशु के बिलीवर्स, प्रभु यीशु की कलीसिया। और वह अपने दूतों को भेजेगा जो उसके चुने हुओं को इकट्ठे करेंगे। तो जब आप ग्रीक में इस शब्द इलेक्ट यानी चुने हुओं को देखते हैं, इसे ग्रीक में कहते हैं एक्लेटोस, और यूनानी में इसका मतलब है चुने हुए, और जिन्होंने यीशु के द्वारा उद्धार पाया है, और मसीही लोग प्रभु यीशु के चुने हुए लोग। तो प्रभु यीशु यहां कह रहे हैं कि सब लोग उसे देखेंगे और सब कुलें उसे देखकर छाती पीटेंगी, और फिर बड़े तुरी के बड़े शब्द के साथ वह अपने दूतों को भेजेगा जो उसके चुने हुओं को, जिन्होंने उसके द्वारा उद्धार पाया है, उन्हें इकट्ठा करेंगे। यह बहुत ही सिंपल और प्लेन है, और ये बातें प्रभु यीशु ने खुद कही हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन दिनों के क्लेश के पहले स्वर्ग दूतों के द्वारा चुने हुओं को इकट्ठा कर लिया जाएगा या उन्हें बचा लिया जाएगा, नहीं, वरन उन्होंने कहा कि उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद स्वर्ग दूत आएंगे और चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। ओके, तो ये था रैप्चर के ऊपर हमारा पहला वचन जो रैप्चर की बात करता है, इकट्ठे होने की बात करता है। दूसरा थसलुनीकियों अध्याय 2:3, यह है हमारा दूसरा वचन जिसे हम पढ़ते हैं। दूसरा थसलुनीकियों अध्याय 2:3 में यहां पर लिखा है कि किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। ओके, ध्यान से सुनिए, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। ओके, तो यहां प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि वह दिन, इस चीज को मार्क करिए, वह दिन नहीं आएगा जब तक पहले धर्म का त्याग ना हो ले और पाप का पुरुष जिसे हम जानते हैं एंटी क्राइस्ट प्रकट ना हो ले। तो अब पौलुस यहां बात कर रहा है वह दिन की, यानी प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की और हमारे उसके साथ इकट्ठे होने की। इकट्ठे होना, इस बात को आप ध्यान में रखिए कि यहां जब भी इकट्ठे होने की बात होती है तो यह बात कर रहा है रैप्चर की। तो प्रभु यीशु के आने की और रैप्चर की यहां पर पौलुस बात कर रहे हैं जब वे कहते हैं कि वह दिन। अब आपके मन में यह सवाल खड़ा होगा कि एक मिनट रुको, आपको कैसे पता कि जब पौलुस कहते हैं वह दिन तो वह रैप्चर की और प्रभु यीशु के आगमन की बात कर रहे हैं? आपको कैसे पता कि यह शब्द वह दिन रैप्चर और प्रभु यीशु के आगमन की तरफ इशारा करता है? तो इसके लिए मुझे अपनी एक्सप्लेनेशन या अपने विचार, अपनी शिक्षा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी वचन के ऊपर जब हम वचन 1 को पढ़ते हैं, यानी कि इस वचन के कॉन्टेक्स्ट को पढ़ते हैं, तो हमें इसका जवाब पौलुस खुद दे जाते हैं। पौलुस लिखते हैं अध्याय 2:1 में, हे भाइयों, हे विश्वासियों, हे कलीसिया के लोगों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीही के आने, ओके, इस वचन को अंडरलाइन कर लीजिए, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने, इसे कहते हैं सेकंड कमिंग, और उसके पास अपने इकट्ठे होने यानी रैप्चर। सुनिए फिर से, प्रभु यीशु मसीह के आने और अपने उसके साथ इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं, वचन 2, कि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। अब इस बात पर जरा ध्यान दीजिए कि वह इस इवेंट को अलग अलग नहीं बता रहा है, यह 2 इवेंट नहीं है, वह अलग अलग करके नहीं बता रहा है, वरन यह एक ही इवेंट है, प्रभु यीशु का आना और हमारा उसके साथ इकट्ठा होना। तो पौलुस इस नैरेटिव में 3 वाक्यों का इस्तेमाल करता है, प्रभु यीशु का आना, विश्वासियों का उसके पास इकट्ठा होना, और तीसरा वह दिन।
तो प्रियो देखो, यहां वह इस इवेंट को दो दिन करके नहीं बता रहा है, वरन एक ही दिन बता रहा है, प्रभु यीशु का आना और विश्वासियों का उसके साथ इकट्ठा होना। यहां पर सिर्फ एक ही इवेंट है और एक ही दिन है, और यह समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पौलुस ने कहा है कि वह दिन नहीं आएगा, उसने नहीं कहा कि वह दिन नहीं आएंगे, यहां पर एक ही दिन है, एक ही इवेंट है। और दूसरी बात वचन 3 में पौलुस कहता है कि वह दिन तब आएगा जब पहले एंटी क्राइस्ट प्रकट होगा और लोग विश्वास से फिर जाएंगे, दैट मींस अपोस्टेसी, धर्म का त्याग होना। तो प्रेरित पौलुस कलीसिया को तैयार करते हुए कह रहे हैं कि देखो भाइयों, किसी के धोखे में ना आना। वह दिन नहीं आएगा जब तक पहले एंटी क्राइस्ट ना आए, जब तक पहले विनाश का पुरुष प्रकट ना हो जाए। सो यू बेटर बी प्रिपेयर्ड टू इनकाउंटर विद हिम, उसका सामना करने के लिए तैयार रहो। सो यह था हमारा दूसरा वचन जो रैप्चर की बात करता है। तीसरा, पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 50 से लेकर 53 तक, यह तीसरा वचन है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 50 से लेकर 53 तक हम पढ़ेंगे वचन 52 को। लिखा है, ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और हम बदल जाएंगे। एक अंतिम तुरी फूकने के बाद। तो अगर आपने हमारी ये वीडियो देखी है तो आपके लिए ये समझना मुश्किल नहीं होगा कि ये तुरी का भेद क्या है, क्योंकि इसी तुरी फूकने का जिक्र मत्ती 24, पहला थसलुनीकियों 4 में भी किया गया है। और हमने मत्ती 24 में देखा है कि प्रभु यीशु खुद बताते हैं कि क्लेश के तुरंत बाद ये सब होगा, ये तुरी का शब्द सुनाई देगा। ओके, तो ये था तीसरा वचन। अब देखते हैं हमारे चौथे और आखिरी बहुत ही महत्वपूर्ण वचन को, जो कि अक्सर कोट किया जाता है उन लोगों के द्वारा जो प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर को मानते हैं, जो लोग ये मानते हैं कि क्लेश के पहले कलीसिया को उठा लिया जाएगा। तो ये वचन उनका फेवरेट वचन है। सो देखिए, पौलुस यहां फिर थसलुनीके के विश्वासियों को एड्रेस करते हुए ये बात कहते हैं कि देखो, जो मसीह में होकर मर गए हैं और अब कब्र में हैं, वह सब जी उठेंगे जब प्रभु यीशु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। प्रधान दूत, ये प्रधान दूत कौन है? मिकाएल, जिसकी बात दानियल अध्याय 12 में की गई है। प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। ये वही तुरी है जिसकी बात पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया के साथ भी की थी और जिसकी बात प्रभु यीशु ने भी की थी मत्ती अध्याय 24 में। तो प्रेरित पौलुस यहां कह रहे हैं कि एक बड़ा शब्द सुनाई देगा, तुरी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे, और तब हम मतलब वह विश्वासियों की बात कर रहा था, वह अपनी भी बात कर रहा था, अपने आप को भी उस ग्रुप में इंक्लूड कर रहा था। वह कहता है कि तब हम जो जीवित बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। ओके, उम्मीद है आपको यह सब समझ में आ रहा है। तो इसमें, इस वचन में कोई भी गुप्त या किसी सीक्रेट आगमन का जिक्र नहीं है। कोई भी नहीं कह सकता कि यहां किसी गुप्त आगमन की बात हो रही है। वहां पर एक बड़ी ललकार है, वहां प्रधान दूत का शब्द है और यहां पर तुरी फूकी जा रही है, और जो कब्रों में है वह पहले परमेश्वर के साथ उठा लिए जाएंगे। और तब पौलुस कहता है कि हम जो विश्वासी लोग हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, वह यहूदियों की बात नहीं कर रहा था, वह हमारी बात कर रहा था। पौलुस कह रहा है कि तब हम अपने आप को भी वह उसी ग्रुप में ऐड कर रहा है जिनको प्रभु यीशु मसीह अपने साथ उठाएंगे। वह कहता है कि तब हम भी उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। तो यही है वे चार वचन जो एक्सप्लिसिटली, स्पष्ट तौर पर प्रभु यीशु के आने और रैप्चर की बात करते हैं। ओके, तो
इसके अलावा कुछ और भी बहुत ही स्पष्ट वचन हैं जो यह साबित करते हैं कि प्रभु यीशु गुप्त में यानी सीक्रेट में नहीं आएंगे, जैसे कि आज कितने प्रचारक सिखा रहे हैं और कितने मसीही विश्वास करते हैं। चलिए एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:7 लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक आंख उसे देखेगी वरन जिन्होंने उसे बेदा था। इसका मतलब है इज़राइली लोग जिन्होंने उसे बेदा था वह भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल, पृथ्वी के सारे लोग उसके कारण छाती पीटेंगे। So, यहां पर भी अगर हम देखें तो प्रभु यीशु के आगमन के समय सब लोग उसे देखेंगे। वचन कहते हैं कि हर आंख उसे देखेगी जब वह बादलों पर आएंगे। एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम अध्याय 1:11 में, जब प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद स्वर्ग पर उठा लिए गए थे तो लिखा है कि हे गलीली पुरुषों, ये परमेश्वर का एक दूत कह रहा है कि हे गलीली पुरुषों तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो, यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा। जैसे आपने उसे जाते हुए देखा है ऐसे ही तुम लोग उसे आते हुए भी देखोगे। यहां पर किसी सीक्रेट आगमन की बात नहीं हुई है, यहां किसी तीसरे आगमन की बात नहीं हुई है, वरन प्रभु यीशु एक ही बार आएंगे, जैसे वह गए थे वैसे ही वह वापस आएंगे। ओके, अब एक बात को मैं यहां पर क्लैरिफाई करना चाहता हूं। बहुत से लोग चोर की नहीं बोलते हैं। देखिए प्रभु यीशु चोर की तरह डरपोकों की तरह नहीं आने वाले हैं। कई लोग कहते हैं कि वह चोर की नहीं आएंगे, मतलब वह छिप कर आएंगे और चोरी चोरी अपनी कलीसिया को लेकर चले जाएंगे। हो, दिस इज रबिश। जीसस इज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबॉडी, ही इज नॉट अ थीफ। वो कोई चोर नहीं है, उसे किसी का डर नहीं है कि उसे चोरी चोरी आना पड़ेगा अपने लोगों को लेने के लिए। वह ललकार के साथ आएगा, अपने दूतों के साथ आएगा, तुरी के बड़े शब्द के साथ आएगा। चोर के नहीं आने का मतलब यह है कि उसके आने का कोई पता नहीं है कि वह कब आएगा। जब चोर आता है तो वह किसी को बताकर नहीं आता है, वह किसी को डेट देकर पक्का टाइम देकर नहीं आता है। उसके आने का मतलब यह है कि वह कभी भी आ सकता है, आप हमेशा उसके लिए तैयार रहिए। और इसकी क्लियर एग्जाम्पल है 10 कुंवारियों का, जो प्रभु यीशु मसीह ने एक पैराबल दिया था कि 5 तैयार थी लेकिन 5 तैयार नहीं थी, लेकिन अचानक से जो दुल्हा था वो आ पहुंचा। इसे कहते हैं चोर की नहीं आना, ना कि शिप शिप के कि किसी को पता भी ना चले कि वह आया कि नहीं आया। चोर की नहीं आने का मतलब है कि किसी को कुछ पता नहीं होगा कि वह कब आने वाला है, उसकी एग्जैक्ट टाइम को, एग्जैक्ट डेट को हम नहीं जानते हैं। और इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि उस समय के बारे में कोई नहीं जानता है, ना तो स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, केवल पिता। और इसे कहते हैं चोर की नहीं आना, जब हमें नहीं पता कि चोर कब आएगा, किस टाइम पे आएगा, किस घड़ी आएगा, मतलब किसी को कुछ पता नहीं होगा कि वह कब आएगा। ऐसा नहीं है कि वह गुप्त में आएंगे, छिपके आएंगे, सीक्रेटली आएंगे, क्योंकि ऐसी बात वचन हमें नहीं बताते हैं। यहां पर लिखा है, वह दूत कह रहा है कि जैसे तुमने उसे जाते हुए देखा है इसी रीति से वह फिर आएगा। चोरों की नहीं नहीं, डरपोकों की नहीं नहीं, क्योंकि वह अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। वह दुल्हा है और वह ललकार के साथ आएगा, स्वर्ग दूतों के साथ आएगा और हर आंख उसे देखेगी और सारी कुल जातियां उसे देखकर छाती पीटेंगी। ओके, तो ये दो वचन हैं जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन की हमें बात बताते हैं कि उसका आगमन कैसे होगा। पहले जो 4 वचन मैंने देखे थे वो बात करते हैं रैप्चर की, कि रैप्चर कब होगा, कलीसिया का बादलों पर उठाया जाना कब और कैसे होगा। और ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमें या आपको ज्यादा वचनों को पढ़ने की जरूरत नहीं है रैप्चर को समझने के लिए। आप बस इन 4 वचनों को ही अच्छे से पढ़कर उन पर मनन कर लीजिए तो आपको सब कुछ आसानी से समझ आ जाएगा।
क्योंकि ये चार वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमें बताते हैं कि रैप्चर महाक्लेश के बाद होगा, तुरी फूंकने के बाद होगा और एंटी क्राइस्ट के प्रकट होने के बाद होगा। तो इन सारे वचनों को देखने के बाद हम कंक्लूड कर सकते हैं कि प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर पवित्र बाइबल में बिल्कुल भी नहीं मेंशन किया गया है। ओके, तो ये था हमारा पहला कारण कि क्यों हम प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर को नहीं मानते हैं। दूसरा, इट वॉज नेवर टॉट इन द चर्च हिस्ट्री। ये शिक्षा मसीही इतिहास में कभी भी सिखाई नहीं गई है। तो इस शिक्षा को इंट्रोड्यूस किसने और कब किया था, इस वीडियो क्लिप में आप जान सकते हैं जो हमने रैप्चर के ऊपर बनाई थी। तो प्लीज इस वीडियो क्लिप को बड़े ध्यान से देखिए यह समझने के लिए कि इसकी शुरुआत कब और कहां और किसने की थी। सो इस वीडियो को देखिए। प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर के सिद्धांत की शुरुआत हुई थी 1827 को इंग्लैंड में जॉन डार्बी के द्वारा। तो ये व्यू बहुत तेजी से प्रचलित हुआ और लोगों ने इसको मानना शुरू किया। इस सिद्धांत के ऊपर बहुत सी किताबें और नॉवेल्स भी लिखे गए और कई फिल्में भी रिलीज हुई, जैसे कि लेफ्ट बिहाइंड सीरीज, आपने शायद इस फिल्म को देखा भी होगा। तो ज़्यादातर मसीही लोग इस सिद्धांत को मानते हैं और ये सिद्धांत बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही आरामदायक है और इसकी शुरुआत भी उन्हीं देशों में हुई है जिन्होंने कभी पर्सिक्यूशन का सताव का सामना नहीं किया है। चाइना, कोरिया, सऊदी अरबिया जैसे देशों में कोई भी इस सिद्धांत का विश्वास नहीं करेगा क्योंकि वह पहले से ही इस भारी क्लेश से होकर गुजर रहे हैं। इस सिद्धांत की प्रॉब्लम यह है कि इस सिद्धांत ने लोगों को स्ताव के लिए, कष्टों के लिए तैयार नहीं किया है। तो यह प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर की शिक्षा बनाई गई है, इट इज मेड अप, यह ड्रामाटाइज की गई है लेफ्ट बिहाइंड मूवीज और नॉवेल्स के द्वारा, जिसको कि आज बहुत से लोग रियलिटी मानते हैं लेकिन यह फिक्शन है। शैतान का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम तैयार रहें और मजबूत हों, लेकिन शैतान की कोशिश है कि तुम गुमराह रहो और तैयार ना हो उस आने वाली तबाही का सामना करने के लिए, उस आने वाली परीक्षा का सामना करने के लिए। शैतान नहीं चाहता कि हम उसके लिए तैयार हों, लेकिन परमेश्वर चाहते थे, प्रभु यीशु चाहते थे, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे वह भी चाहते थे कि हम तैयार रहें। और इस चीज को हम बार 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 नए नियम में पढ़ सकते हैं कि तैयारी की बात हुई है। यह शिक्षा इंग्लैंड में शुरू हुई थी और नॉवेल्स और मूवीज के द्वारा आग की तरह फैल गई। प्रभु यीशु ने कहा कि कोई शिष्य, कोई चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता, कोई चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता। उन्होंने मुझे सताया, वह तुम्हें भी सताएंगे। तो यह था हमारा दूसरा कारण कि इतिहास में इस शिक्षा को कभी भी सिखाया नहीं गया है। इसकी शुरुआत हुई है 19वीं सदी में और यह मेड अप डॉक्ट्रिन है। तीसरा, हम क्यों इस पर विश्वास नहीं करते हैं कि मैसेज ऑफ एस्केप इज नो वेयर फाउंड इन द टीचिंग ऑफ जीसस। मैसेज ऑफ एस्केप, बचल निकलने का या बचाव का संदेश प्रभु यीशु की अंतिम समय की शिक्षा में कहीं भी सिखाया नहीं गया है। जब कभी भी मसीह यीशु ने आने वाले क्लेशों की बात कही है तो उन्होंने हमेशा यही कहा, धीरज करो, तैयार रहो, जो अंत तक सहेगा उसी का उद्धार होगा। संसार में तुम्हें क्लेश होता है परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो अगर आप बस प्रभु यीशु के शब्दों को ही पढ़ते हैं इन चारों सुसमाचारों में, तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि प्रभु यीशु ने बच निकलने यानी एस्केप का वादा नहीं किया है। नो वेयर, कभी भी प्रभु यीशु ने इसका वादा नहीं किया है, वरन तैयार रहने का, धीरज धरने का और क्लेश कष्ट सहने की बात की है। तो ना सिर्फ प्रभु यीशु ने वरन प्रेरितों ने भी यही संदेश कलीसिया को दिया था कि हमें तैयार रहना है, विश्वास परखा जाएगा। थ्रू मैनी ट्रिबुलेशन वी मस्ट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड।
और यही कारण है कि मत्ती 24 में प्रभु यीशु कहते हैं कि तब वह क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। जीसस नेवर प्रीच्ड एग्जेम्पशन एंड एस्केप फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ट्रिबुलेशन। प्रभु यीशु ने कभी भी क्लेश से बच निकलने या बचाने का प्रचार नहीं किया। सो तैयारी कीजिए क्लेश से बचने की नहीं, वरन क्लेशों को सहने और क्लेशों का सामना करने की। और आखिर में मैं यही बात कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु ने जब भी अंतिम समय की शिक्षा दी है तो उस सारी शिक्षा का उनका मकसद यही था कि हम तैयार रहें, हम तैयार रहें, पहली बात प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए, और दूसरा अगर हमें सहना भी पड़े तो उन कष्टों को सहने के लिए। वचन हमें बताता है कि तैयार रहो, जो धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। तो परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। अगर कोई आपका सवाल है, अगर आपकी कोई क्लैरिफिकेशन है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करिए, हो सके तो मैं रिप्लाई करूंगा, और नहीं तो उस स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर, डाउट के ऊपर आने वाले समय में हम वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज़ मैं चाहता हूं कि ये जो चार वचन हमने आपको दिए हैं रैप्चर के बारे में, इन्हें, इन चारों वचनों को अपने सामने रखिए और चारों को एक दूसरे के साथ कंपेयर कीजिए, इनकी तुलना एक दूसरे के साथ कीजिए और देखिए कि सच्चाई क्या है। क्या कहीं पर भी गुप्त में आगमन की बात हुई है? क्या कहीं पर भी क्लेश ना सहने की बात हुई है कि क्लेश के पहले कलीसिया को उठा लिया जाएगा? तो परमेश्वर आप सबको संभाल कर रखे। बहुत जल्द मिलेंगे फिर से एक और नए वीडियो के साथ। सभी को जय मसीह की।